चलिए आज हम देखते हैं क्रिटिशन और बिलियोग्राफी। एमएस वर्ड के अंतर्गत ये अच्छे और नए फीचर्स जोड़े गए हैं और 2007 और इसके नए जितने भी वर्जन्स हैं उनमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम कोई बायोग्राफी जो है कि लिखना चाह रहे हैं या फिर यूँ कहते हैं कि हम बुक प्रिंट कर रहे हैं और बुक प्रिंट में जो राइटर है उसका डेटा हमें हर बार इंसर्ट करना है, तब हम क्रिटेशन क्रिएट करेंगे और उसका बायोग्राफी प्रिंट करेंगे। तो जिस प्रकार हमने टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ किया था कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अटकर के। टेबल ऑफ कंटेंट जो है कि पूरा डेटा कंटेंट को शो करता है और ये इंसर्टिंग फीचर्स के जैसा है। चलिए तो हम यहाँ पर इंसर्ट क्रिटेशन में जाते हैं और यहाँ पर आपको एड न्यू सोर्स को क्लिक करना होगा। एड सोर्स पर यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ सोर्स बता रहा है कि किस प्रकार का डेटा आपको असाइन करना है। जैसे आप बुक प्रिंट करना चाह रहे हो तो बुक का जो पब्लिशर है, राइटर्स है, उनकी डिटेल्स रखना है, या फिर बुक सेक्शन में पर्टिकुलरली कोई सेक्शन आपने निर्धारित कर रखा है कि एक बुक है उसमें अलग अलग सेक्शन को अलग अलग राइटर ने लिखा है तो उनसे संबंधित बिबलियोग्राफी आप रखना चाह रहे हैं, है ना। या जनरल आर्टिस्ट होते हैं जैसे जो जर्नलिज्म की जो बुकें आती है उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग डेटा, अलग अलग टाइटल्स और उनके राइटर्स होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के ये सारे ऑप्शंस हैं या रिपोर्ट सेक्शन वगैरह, तो जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे हम बुक सेक्शन ही ले लेते हैं, जब बुक सेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं तो अथराइज उसका टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं आप अथर में वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं डेटा कंटेंट यहाँ पर निर्धारित करता हूँ MSc का, माना है कि मुझे सिलेबस या डेटा मुझे असाइन करना है तो मैंने नाम रख दिया उसका MSc। अलग अलग कोर्स का मैं रखना चाहता हूँ, माना कि तो मैंने यहाँ पर MSc रखा, उसका टाइटल हम यहाँ पर दे देते हैं MSc CS में उसका टाइटल असाइन कर देता हूँ। बुक अथोराइज कौन है तो वो सेक्शन वाइज यहाँ पर अलग अलग आएगा। यदि आप बुक ओनली बुक लेते हैं तो ये सेक्शन में बहुत कम डेटा हो जाएगा, यानी अथोराइज अलग अलग नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन सेक्शन वाइज है तो सेक्शन का अथोराइज और बुक का अथोराइज दोनों अलग अलग होगा, बुक का टाइटल अलग होगा, तो वो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं जो भी हमें असाइन करना होता है। अभी हम उदाहरण के रूप में बुक ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमने दिया और कौन से सेशन में वो प्रिंट हुआ है वो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं और किस सिटी से वो इस लोकेशन से हुआ है। जैसे हम डाल देते हैं MP नगर, पूरा डाल देते हैं हम एड्रेस यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, भोपाल हमने डाल दिया। पब्लिशर कौन है, माना कि RK अग्रवाल ये उदाहरण के लिए है, हमने यहाँ पे ये असाइन कर दिया। अदरवाइज टाइटल्स और भी बड़े हो सकते हैं, उस कोई इशू नहीं है, और पब्लिशर के बारे में डिटेल भी और भी बड़ा हो सकता है, तो ये सब ऐड करके हम रखेंगे। अब इससे बेनिफिट ये निकलेगा कि जब हम इस फाइल में काम कर रहे हैं, ध्यान रहे कि जो हमने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और जब हम एक बड़ी बुक बाइंडिंग की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत तो कई चैप्टर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तब हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें बार बार उस जैसे 5 राइटर्स यहाँ पर है तो उनका डेटा एक बार असाइन कर लीजिए, बार बार जब भी आपको इंसर्ट करना है उसमें वो जहाँ पर इंसर्ट करना वहाँ पर आप इंसर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये MSc 2010 यहाँ पर आ चुका है, तो अब हमें इसका पूरा बायोग्राफी यहाँ पे दर्शाना है इस टाइटल का। अब यहाँ पे व्यक्ति का हो सकता है नाम भी हो सकता है, ज़्यादा हम जैसे हमने MSc यहाँ पर दिया है ज़्यादा बेटर रहता है कि हम ऐसा भी रख सकते हैं। हम एडिट करना चाहें तो ये एरो का चिन्ह यहाँ पे एडिट क्रिटेशन में जाएं और यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज सोर्स में जाएं और ये MSc वाला है तो यहाँ पर हम इसको एडिट को सिलेक्ट करते हैं, ये एडिट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम उससे संबंधित नाम ही रख लेते हैं, राइटर का नाम ही हम यहाँ पे दे देते हैं RK
अग्रवाल ही रहते हैं और यार हमने दे दिया। और किससे रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी है, तो एमएससी सीएस या कंप्यूटर सीएस या एमएससी, हम एमएससी ही डाल देते हैं, कोर्स पर्टिकुलर डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया, ठीक है, ओके कर देते हैं, यस करेंगे और इसको कॉपी आप कर सकते हैं, यस करें, क्लोज कर दीजिए। अब बाय द वे हमें वो डिटेल यहाँ पर असाइन करना है, ठीक है, तो अब क्या करें कि बिबलियोग्राफी पे जाएं, बिबलियोग्राफी में यहाँ पर ये ऑप्शंस आएंगे, किस उसमें लेना है, बिबलियोग्राफी बेस पे लेना है या वर्ड वर्कर के बेस पे लेना है, तो हम बिबलियोग्राफी को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बिबलियोग्राफी आपने लिया है, जो आपने असाइन किया था, वो बिबलियोग्राफी यहाँ पर आ चुका है, ये उनका पूरा नाम है, शायद हमारा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये आर के जैन एम एस सी भोपाल, हमने पूरा पूरा एस एस सी डिपो यहाँ पर असाइन किया था। तो इस प्रकार से पूरा वीडियोग्राफी उनका जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट होगा। अब आपको दोबारा इसको असाइन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी एक बार इसको आप असाइन कर लीजिए और बार बार उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आपको ये बात समझ में, ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, वीडियोग्राफी किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, मैनेज कैसे करते हैं और किस प्रकार से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।